हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी गजरेला, शाही गजरेला खीर। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ठंडी का मौसम में वैसे भी गाजर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मीठा आता है। और हमें मन करता है कि गाजर को हर एक किस्म से हम इसे यूज में लाएं, चाहे खीर हो, चाहे हलवा हो, चाहे गजरेला हो, चाहे मिठाई हो, चाहे हम सब्ज़ी में यूज़ करें, लेकिन गाजर खाना सभी को पसंद होता है। तो मैं आज इसे गजरेला, शाही गजरेला खीर बना के तैयार करूँगी एकदम मीठी वाली गाजर से। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अगर चैनल पर पहले बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी भूल जाते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे शाही गजरेला खीर बनाने के लिए मैंने ओनली 4 से 5 पीसी यहाँ पे गाजर लिया है। गाजर इस टाइप का लेना, बहुत ही लाल वाली गाजर आती है, और जो छोटी छोटी वाली आती है ये बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है, और इससे जो हमारा रेसिपी है ना बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार होगा इस तरह से। सबसे पहले तो हम गाजर का जो पल का जो छिलका है ना ये निकाल देंगे, और अच्छी तरीक़े से निकाल देंगे। उसका बाद ही हम जो है गाजर को वॉश करने वाले हैं। इस तरह से सारे गाजर का पील जो है हम आउट कर देंगे। सारा पील को मैंने निकाल दिया है। अब इसको ना हम ग्रेटर का हेल्प से जी ग्रेट करेंगे। शाही गजरेला में हम इसे ग्रेट करके लेंगे। अगर आपके पास बड़ा वाला ग्रेटर होगा ना तो उससे तो और भी इजीली ये फटाफट हो जाता है। मेरे पास बड़ा वाला ग्रेटर नहीं था, छोटा वाला था। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा से हो ही जाता है। इस तरह से सारा जो गाजर को है हम ग्रेट करके निकाल लेंगे। फाइनली मैंने सारा गाजर को ग्रेट करके निकाल लिया है। गाजर काफ़ी लाल लाल है, और इसका रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरह का गाजर आप भी लेना है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बड़ा चम्मच चावल को 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, और इसका पानी मैंने फेंक दिया है। सिर्फ याद रखना कि 2 चम्मच चावल, बस इससे ज़्यादा चावल हमें नहीं मिलाना है इस रेसिपी में। तो इसको हम दरदरा सा बिना पानी के पीस लेते हैं ग्राइंडर जार में ऐड करते हुए। तो इसे मिक्सी को हम एक बार बस चला लेंगे। और यहाँ पे दूध का भगोना मैंने बिठा दिया था पहले से। दूध मैंने यहाँ पे 1 लीटर लिया है इस रेसिपी बनाने के लिए। और गाजर का क्वांटिटी 5 पीस लिया है, और चावल मैंने 2 चम्मच लिया है, और दूध यहाँ पे फुल क्रीम वाली दूध मैंने 1 लीटर लिया है। अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध में भी इसे बना सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 1 लीटर ही लिया है। और इसे चलाते हुए इसको उबाल आने तक दूध को पकाना है। जैसे दूध में उबाल आ जाता है ना, तो फिर इसके अंदर में हम मिला देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ गाजर है ना, ये सारा को भी हम मिला देंगे। और साथ ही में जो हमने पीस के रखा हुआ चावल था ना, इसे भी मिला देना है। चावल बहुत ज़्यादा फाइन मैंने नहीं बनाया है, बस दरदरा सा बनाया है, जैसे कनकी आता है ना चावल का, वैसे ही टाइप का मैंने गाजर चावल को पीस लिया था। और दोनों चीज़ मिला देने के बाद अच्छे से मिक्सअप करते हुए चलाएंगे, चलाते रहेंगे और कुक होने देंगे। और गैस का फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखेंगे, और उबल के बाहर ना चला जाए। इस तरह से कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। लगातार इसे खुले में ही कुक करना है, कंटिन्यू रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और गैस का फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, और इसे तैयार होने के लिए हमें 30 मिनट का टाइम लग सकता है। और चलाते ही रहेंगे जब तक कि जितना दूध है ना इसका क्वांटिटी कम हो ना जाए। इस तरह से हम चलाते हुए इसमें थिकनेस लाएंगे, लगातार चलाएंगे, ताकि इसके अंदर में जो गाजर हमने जो चावल का कनकी मिलाया था ना, ये सारा कुक हो जाए और दूध में अच्छे से कंसिस्टेंसी आ जाए, और जो इसका क्वांटिटी है कम भी हो जाएगा। खुले में ही हम पकाएंगे, अगर ढक पकाएंगे ना तो ये उबल के सारा बिखर जाएगा, बाहर चला जाएगा, और इसके सारे जो ऊपर के मलाई है ना ये सारा बाहर चला जाएगा। इसीलिए इसे खुले में ही पकाना पड़ता है। तो हम चलाते हुए गैस का फ्लेम को मीडियम ही रख देंगे, अगर ज़्यादा हाई रखेंगे ना तो फटाफट उबल के बाहर जाने का चांस रहता है, इसलिए मीडियम रखते हुए इसे धीमे आंच में ही पकाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम लग सकता है लेकिन रेसिपी बनने में, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी तो लगता है। तो अच्छा खाना है तो थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। चलाते रहे लगातार इस तरह से,
रुक रुक के चलाते हुए हमें इसे कुक करना है, लेकिन चलाना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे दूध में थिकनेस आने लगा है। वैसे तो गाजर और जो हमने चावल मिलाया था ना पीस के, ये फटाफट कुक हो जाता है, लेकिन जो दूध को सूखने के लिए थोड़ा हमें टाइम लगता है, इसलिए इसे हमें चलाते हुए दूध को पूरा सुखाना है। और जैसे थिकनेस आने लगे ना, तो यहाँ पे इलायची मैंने तोड़ के डाल दिया है। अगर आपका पास इलायची पाउडर होगा ना तो वो मिला लेना, मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने साबुत इलायची को ही तोड़ के मिला दिया है। दोबारा से इस तरह से इलायची मिलाने के बाद भी चलाते हुए कुक करेंगे। तो आप इसमें हम मिला देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केवड़ा वाटर, 3 से 4 बूंद, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। अगर ज़्यादा मिलाएंगे ना तो इसका बहुत ही कड़क फ्लेवर आएगा, तो कम से कम इसे केवड़ा वाटर को मिलाना है। अगर आपको पसंद नहीं है इसका फ्लेवर तो ना मिलाए। और यहाँ पे शुगर भी मिला देना है। शुगर मैंने 5 से 6 बड़ा चम्मच लिया है। शुगर भी आप अपना अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मिलाए। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट अपना मनपसंद का चॉप करके रख लिया था, इसको भी मिला देना है। और सारा चीज़ मिलाने के बाद दोबारा से चलाते हुए कुछ देर और कुक करें। धीरे धीरे हमारे जो गजरेला खीर है तैयार होने को है, गाढ़ा फॉर्म में आ चुका है। सारा दूध का क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में ना आए तब तक हमें इसे चलाते हुए कुक करना है, इस तरह से ही। अभी हमारा गजरेला खीर तैयार होने को है, तो हम लास्ट में इसे मिला देंगे यहाँ पे क्रीम, फ्रेश क्रीम। अगर आपका पास घर का हो तो मिला ले, और अगर आपका पास घर का ना हो तो बाजारू फ्रेश क्रीम भी मिलता है, वो भी आप मिला सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम को मिला दिया था। इससे क्या होता है ना, हमारे जो गजरेला खीर में ना क्रीमी टेक्सचर आता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मुँह में रखते ही घुल जाने वाला, इस तरह का ये जो गजरेला खीर है बन के तैयार हो जाता है। ये क्रीम मिलाने के बाद भी कुछ देर हम इसे कुक करेंगे ताकि आपस में अच्छे से मिल जाए। तो देखते ही देखते हमारा यहाँ खीर जो है गजरेला खीर बिल्कुल बनके तैयार हुआ है। इसका कलर, लुक और खाने में इतना अच्छा लग रहा था, और खुशबू तो ऐसा कि चारों ओर फैल रहा था। तो ये इतना ही में हमने गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना तो ये जो ठंडा होने के बाद वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इतना में ही हमने गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। बिल्कुल भी रेडी होके एकदम क्रीमी टेक्सचर में तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे आप इसे गरम गरम सर्व करके इंजॉय करें, चाहे ठंडा होके। अगर आप इसे फ्रिज में रख के ज़्यादा ठंडा करके इंजॉय करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने गजरेला खीर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और इतना देर आपने साथ दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।